हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली कुछ बहुत अच्छे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स। सो ये पपाया का ब्राइटनेस ब्राइटनिंग फेस वॉश, ब्राइटनेस स्किन टोन फोरेस डार्क स्पॉट्स एंड क्लींजेस जेंटली। तो ये जो है जेंट्स हो या लेडीज़ हो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स बता देती हूँ। इसको बस आपको जो है ना थोड़ा सा मतलब वैसे तो पैक ने मैंने पूरा यूज़ कर लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि ये काफ़ी यूज़ में आ जाएगा। मतलब दो तीन बार चार बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पैकेट में इतना पाउच है छोटा सा, चाहे तो इसमें ना बड़ा सा पाउच भी आता है, चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपायरी दिया हुआ है प्लस पपाया फ्लेवर का है एंड ये बहुत ज़्यादा इसका स्मूथली टेक्स्चर है एंड गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता ही है कि कितने ही अच्छे होते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो है जो डार्क स्किन है जिनकी और स्पॉट्स हैं और क्लीन ना बहुत अच्छे से फेस को कर देने वाला है। थोड़ा सा हाथ में लेना है और प्लस मसाज करना है, मसाज कर जैसे हम फेस वॉश करते हैं। अच्छा मैं इसमें आपको सामने दिखा रही हूँ, अगर आप वॉशरूम में हैं तो अच्छे से पानी लगा के बहुत ही अच्छे से फेस वॉश करें और इतना मतलब बिल्कुल ना ऐसा लगे आपका हाथ ना फिसलने लगेगा इसे, मतलब इस टाइप का है ये। और इसको आपके आईज़ एरिया को जो है ना बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपके आईज़ एरिया में ना लगे। बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है और कोई इरिटेशन अगर आपको होती है ना तो आप बिल्कुल इसे यूज़ ना करें, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर ये यूज़ करने के बाद जो है ना आप ख़ुद मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल ग्लो आ गया। एंड जैसे बहुत ज़्यादा इस समय धूप में जाना पड़ता है, जेंट्स है लेडीज़ है बच्चे ना यूज़ करें, जेंट्स और लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आता है जहाँ कुछ बॉयज़ का कि आप लड़कियों के लिए मतलब हम बॉयज़ के लिए भी कुछ बताइए कि हम हैंडसम लगे। तो जैसे धूप है, खासकर हम लेडीज़ तो घर में रहते हैं पर आदमियों को तो बाहर जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा फेस वॉश करने के बाद दूसरा आपको बस थोड़ी देर का ये फेस वॉश करने के बाद बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है पपाया ग्लो फेस मास्क, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन फिर डार्क स्पॉट्स एंड इवेंट स्किन टोन। गुड वाइब्स का है ये भी और बहुत ही अच्छा ये आपका जो लेयर करना है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अप्लाई इवेंट लेयर ऑफ द मास्क और आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा और आपको 15 से 20 मिनट जो है आपको अपने फेस पे रखना है। और ये आपका जो है ना एक ही बार का यूज़ करने का आएगा, एक से या दो बार, वो आपके फेस पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हैं नेक से और फेस पे और नेक पे। तो इसको लगाने की मेरे फेस पे क्या प्रॉब्लम हुई है वो मैं चलिए आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। और ना जो ड्राई प्लेस है ना बहुत ज़्यादा कूल करता है, कोई अगर इचिंग होती है मुझे ना मैंने जैसे इसको लगाया क्योंकि मेरे ना फेस पे पिंपल आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे बहुत मेडिसिन खानी पड़ती है तो पिंपल की प्रॉब्लम मेरी जल्दी ख़त्म नहीं होती, मेडिसिन इतनी खाई है मैंने और खानी अभी भी खाती हूँ गर्मी में। तो मैं बहुत सी चीज़ें करती हूँ पर पिंपल जब प्रॉब्लम जब दवाइयों से होती ना तो मुझे पिंपल की प्रॉब्लम होती। तो मैंने जैसे ये फेस मास्क अप्लाई किया मेरे फेस पे हल्के हल्के से जो है ना जलन सी होने लगी बहुत तेज़ी से, अभी देख सकते मैंने लगाया जलन हो रही थी तो मैंने सोचा इस नॉर्मल ऐसे ही हो रही है तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कि कभी कभी होता है ऐसा, ज़रूरी नहीं कि मेरे फेस में प्रॉब्लम हुई तो आपके भी होगा, कि मेरे फेस पे पहले से पिंपल था देख सकते हैं अब मैं रुक गई, मेरे फेस पे जलन बढ़ रही थी जहाँ जहाँ पिंपल थे वहीं पर। तो ये प्रोडक्ट देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ जलन हुई। तो ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं है कि मैं ये कहूँ ख़राब, क्योंकि हर किसी की स्किन बहुत अलग होती है और स्किन टाइप है ये, तो आप ज़रूर यूज़ करिए मैं आप लोगों से कहूँगी, बट अगर इचिंग होती है आपको तो यूज़ ना करिए। मेरे फेस पे जो पिंपल की वजह से प्रॉब्लम हुई बट मैं देख सकते रिमूव कर रही हूँ और बल्कि तुरंत मैंने रिमूव कर, देख सकते कितना ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ा। जब मैं रिमूव कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आइज़ लगी मेरे फेस पे, इतना ज़्यादा कोल्ड कर रहा था फेस मेरा, इतना ठंडक अच्छा आ रहा था। बहुत ही अच्छी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ये, बट आप ना जैसे मैं बार बार ये बात कहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम होती तब रिमूव कर दे, तो मैंने वैसे मैं रख सकती पर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो जो पिंपल हैं उन पिंपलों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो इसी वजह से मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया। और आपको बस क्या करना है ये यूज़ करने के बाद, ये देख सकते हैं रोज़ वाटर आता है, नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल सकता है।
तो उसको अच्छे से लगा लें, स्प्रे कर लें, उसके बाद जो है रुई के हेल्प से आप इस तरह से अप्लाई कर लें, रिमूव कर लें, या वाइप्स हैं आप उससे भी जो है रिमूव कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप बाथरूम में चले जाइए और अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। तो ऐसे इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाई चांस आप कहीं टूर पे गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास बहुत ही अच्छा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये आज का वीडियो ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी भी, बिल्कुल सही है, बस वो पिंपल के वजह से जो है ना मुझे इचिंग हो गई और थोड़ा सा जलन हो गई, बाकी फेस पे तो मेरे कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं हुई। मैं मुझे मालूम था क्योंकि आप कोई भी वैसी चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो अगर आपके पहले से पिंपल है फेस पे थोड़े बहुत, तो उसमें थोड़ी सी इचिंग हो जाती है। तो मैंने कस के जो है बहुत ही अच्छे से मैंने स्प्रे कर लिया रोज़ वाटर का, तो आपको भी ये मिल जाएगा। सो बस मेरे फेस से बहुत ज़्यादा मुझे, मैं डर रही थी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये दो पाउच आए थे मुझे, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स purple.com से लिया था, तो उसमें मुझे ये दो पाउचेस फ्री आए थे, तो मैंने सोचा चलिए अप्लाई करते हैं। तो मैं इसका जो फुल बड़ा पाउच ज़रूर मंगाऊंगी और आप लोगों से फिर से बहुत अच्छा रिव्यू शेयर करूंगी। आप लोग ये ज़रूर यूज़ करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होते हैं गुड वाइब्स के, और आप देख सकते हैं मेरे रिमूव करिए मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।